अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोनोपोलिस्ट कंपटीशन के केस में शॉर्ट रन में फर्म के इक्विलिब्रियम को स्टडी किया। और हमने देखा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म के कॉस्ट कर्व की पोजीशन क्या होती है, फर्म के रेवेन्यू कर्व की शेप क्या होती है, और फर्म नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन में कब होगी। तो आज हम इस डिस्कशन को एक्सटेंड करते हैं। और जैसा कि हम परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लास्ट टाइम दो केस हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और आप लोगों ने आज नॉर्मल प्रॉफिट के केस भी जो है वो ड्रा करके आप लोगों ने सेंड किए व्हाट्सएप पे, तो वो आप लोगों की एक अच्छी एफर्ट है। और बहुत सारे केसेस में वो नॉर्मल प्रॉफिट का केस के ग्राफ ठीक थे, सिवाय कुछ लोगों के जहाँ पे टेक्निकली जो मार्जिनल कास्ट एवरेज टोटल कास्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट से पास होता है, ये उसमें ठीक नहीं था। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी थे तो उनके बेसिस पे मैं थोड़ा सा स्कोर एक्सप्लेन कर दूं। देखें, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट जो रूल है उसमें कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर हो तो उसमें हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमिन करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट को किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। इन दिस केस इन फिगर 9.1 इक्विलिब्रियम पॉइंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी। जनरली इक्विलिब्रियम पॉइंट को पॉइंट ई से भी डिनोट करते हैं, नोटेशन है जिस भी लेटर से आप उसको कर लें। बस ये है कि आपको पता हो कि हम आप किस इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कहाँ पे। तो मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू रूल के मुताबिक पॉइंट सी इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म, बिकॉज एट पॉइंट सी मार्जिनल कास्ट कर्व इज इंटरसेक्टिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एट दिस पॉइंट। ये चीज इन में रहे कि इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से जो है क्रॉस करता है, यानी जब ये अपने राइजिंग पार्ट है ना उस पार्ट पे जब इसको इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। आप इमेजिन करें कि अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है इसकी यही शेप हो इस तरह, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इसकी बजाय वो यहाँ कहीं पे पास हो रहा हो, तो इस केस में अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट करेगा तो दिस विल नॉट बी इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई रिपीट, सपोज करें कि ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ के बजाय यहाँ कहीं से पास हो रहा है, इस फॉलिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू रूल तो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है उस केस में, लेकिन ये पॉइंट फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। तो दो कंडीशन है बेसिकली, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच में, नंबर वन इज मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये जब भी इंटरसेक्शन होगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड इंटरसेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, यानी जब ये राइजिंग पार्ट पे होगा तो तब जो है वो इसको इंटरसेक्ट करे। तो उसकी वजह यह है कि अगर इस साल इस पॉइंट पे अगर मार्जिनल रेवेन्यू का मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करता है
यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि अभी फर्म के पास फर्म ये मार्जिनल कॉस्ट का फॉलिंग पार्ट ये शो कर रहा है कि अगर फर्म अपनी प्रोडक्शन बढ़ाती है तो उसके कॉस्ट मिनिमाइज हो सकती है, अभी उसके कॉस्ट के कम होने की कैपेसिटी मौजूद है। तो इसलिए यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरसेक्ट करे तो इस नेक्स्ट पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, उस पर और कम होगी। तो इसलिए फर्म ये चाहेगी कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए, और अगर वो बढ़ाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, इसलिए इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा अगर इन केस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ कहीं से पास हो रहा हो। तो एनीवेज सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन किया, उसके बाद आपने फर्म का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हमें प्राइस की इंफॉर्मेशन चाहिए, आउटपुट का तो हमें पहले पता चल गया है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उससे क्वांटिटी के एक्सेस भी आएंगे तो ये आउटपुट का लेवल होगा जो फर्म प्रोड्यूस कर रही होगी। अब इतना फर्म ने प्रोड्यूस करना है, इस पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट है नॉर्मल लॉस है, तो वो हमने डिटरमिन करना है। तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक प्राइस चाहिए कि पर यूनिट प्राइस क्या है। तो इसके लिए हम पॉइंट सी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करते हैं, और देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व के साथ उसके इंटरसेक्शन किन पॉइंट्स पे है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व के साथ इंटरसेक्शन चूंकि पॉइंट बी पे है तो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ प्राइस बीइंग चार्ज्ड बाय द फर्म, इन दिस केस दिस इज पी स्टेरिक, और पी स्टेरिक प्राइस को अगर हम क्यू स्टेरिक क्वांटिटी से आउटपुट से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज दिस गिव अस टोटल रेवेन्यू वैल्यू, और वो इक्वल है ओ पी स्टार बी क्यू स्टार के इक्वल। इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अनदर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व चूंकि हमें हमारे पास मौजूद है तो वी कैन गेस द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो जो परपेंडिकुलर है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम फिर वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, एंड अगर हम ऐसा करें तो पॉइंट ए तक पहुँचते हैं। पॉइंट ए जो है वो बेसिकली फर्म की ऑन एवरेज जो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एवरेज से जब हम टोटल को मल्टीप्लाई टोटल आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव अस वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, और वो टोटल है टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है ओ ए बी क्यू स्टार। अब आपने टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को माइनस करना है तो बाकी जो एरिया बच जाएगा दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट, इन दिस केस फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। इस केस में फर्म जो है वो लॉस फेस कर रही है, वजह क्या है, फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है मार्जिनल, जहाँ पे फर्म का मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट सी, अब उस तरह फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया एवरेज रेवेन्यू कर्व तक और एवरेज कॉस्ट कर्व तक। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व के साथ इसका इंटरसेक्शन है पॉइंट बी पे, जिससे हमें प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है पी स्टार। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू ओ पी स्टार बी क्यू स्टार, ये जो वाइट रेक्टेंगल है। फिर इस परपेंडिकुलर के जो इंटरसेक्शन है, देखें जिस साइड पे एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू कर्व होंगे हम परपेंडिकुलर को उस साइड पे ड्रा करेंगे, ये इवन यहाँ कहीं ऊपर भी हो तो तब तक हम इसको एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक ये परपेंडिकुलर एवरेज रेवेन्यू कर्व और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करता। एवरेज रेवेन्यू कर्व इंटरसेक्शन पे हमें प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी है, और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के साथ परपेंडिकुलर की जो इंटरसेक्शन है इस केस में जो कि पॉइंट डी है, यहाँ से हमें एवरेज कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्टार दैट इज लेवल ऑफ आउटपुट, तो दिस इज इक्वल टू टोटल
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओ ए डी क्यू स्टार, और जो टोटल रेवेन्यू है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी है। तो प्राइस इज पी स्टार, क्वांटिटी इज क्यू स्टार। तो प्राइस है ओ पी स्टार, क्वांटिटी इज ओ क्यू स्टार, टोटल रेवेन्यू इज ओ पी स्टार बी क्यू स्टार। तो अब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये हमेशा यही फॉर्मूला होगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो अंडरस्टूड है कि ये लॉस को शो कर रहा है। तो टोटल रेवेन्यू ओ पी स्टार बी क्यू स्टार माइनस टोटल कॉस्ट इज ओ ए डी क्यू स्टार। डेफिनेटली कॉस्ट की वैल्यू रेवेन्यू से ज्यादा है, सो वी विल गेट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट। और ये शो कर रहा है कि फर्म इज मेकिंग लॉस। अब ये लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो इसके बारे में कंक्लूजन जो है वो एग्जैक्ट, वो हमें तीसरा कर्व चाहिए, दैट इज एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व। वो अंडरस्टूड है कि एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व लाइज बिलो एवरेज टोटल कास्ट कर्व। इनिशियली गैप ज्यादा होता है, फिर ग्रेजुअली ये क्लोज होते जाते हैं। तो अगर तो एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व ये पॉइंट बी से नीचे जो है वो लाई करता है, पॉइंट बी बेसिकली प्राइस को शो कर रहा है, तो अगर इस तक हो तो फिर भी फर्म बिजनेस में रहेगी, उससे नीचे हो तो ये शो कर रहा है कि फर्म की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है। अगर ये बी स्टार से ऊपर वाले सेक्शन में कहीं पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व पास होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस प्राइस पे ना तो फर्म की एवरेज टोटल कास्ट पूरी हो रही है और ना ही फर्म की एवरेज वेरिएबल कास्ट पूरी हो रही है, सो फर्म जो है वो क्विट कर जाएगी। तो पॉइंट बी जो है ये शट डाउन पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट बी से अगर एवरेज वेरिएबल कास्ट का पास होता है तो फर्म इस बात पे कम से कम मुतमिन होगी कि चलें फिक्स कास्ट पूरी ना भी हो, वेरिएबल कास्ट तो पूरी हो रही है। फिक्स कास्ट बिजनेस बंद भी हो जाएगा तो तब भी पूरी, वो तो आपने बेयर करनी करनी है, कम से कम वेरिएबल कास्ट पूरी होनी चाहिए। अगर पॉइंट बी से ऊपर जो है वो किसी पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कास्ट कर पास होगा तो फिर ये नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर कोई भी बिजनेसमैन अपनी जेब से एक्सपेंडिचर नहीं करेगा अगर उसका बिजनेस उसे इतना भी रेवेन्यू नहीं दे रहा कि वेरिएबल कास्ट पूरी हो, फिर वो शायद बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाएगा। एनीवेज दिस इज, और तीसरी जो है वो सिचुएशन है सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट की, तो वो आपने आज केस ड्रा भी किए हैं, और वो यही है कि जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट जो है उसका एरिया जब एग्जैक्ट बराबर होता है तो दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, और इस केस में एवरेज टोटल कास्ट कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट बी पे होगा, यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व के साथ। तो यहाँ पे प्राइस भी उतनी होगी और एवरेज कास्ट भी उतनी होगी। तो नेक्स्ट इज केस ऑफ लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फंड्स इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, जो एवरेज रेवेन्यू और माइनर रेवेन्यू कर्व ये तो स्टिल नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे, तो लॉन्ग रन में जो कॉस्ट कर्व हैं वो थोड़े फ्लैट होते हैं, तो लॉन्ग रन में फर्म वहां पे इक्विलिब्रियम में होगी जहां पे फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट सी इज इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म। यहां से हमने देखना है कि फर्म की कॉस्ट कितनी है और रेवेन्यू कितना है, तो इसके लिए हम इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करेंगे। पॉइंट सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, क्यू एक्स एक्सिस की तरफ आए तो क्यू स्टार क्वांटिटी मिली हमें, इतनी फर्म प्रोड्यूस कर रही है। रेवेन्यू
और कास्ट फाइंड करने के लिए हमें प्राइस और एवरेज कास्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए. इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल प्रॉफिट वी नीड प्राइस वैल्यू सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई प्राइस विद क्वांटिटी इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल रेवेन्यू. सो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व एट पॉइंट बी. इसको वाई एक्सिस की तरफ एक्सटेंड किया तो प्राइस की वैल्यू मिली, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल रेवेन्यू वैल्यू ओ पी स्टार बी क्यू स्टार. परपेंडिकुलर का एवरेज टोटल कास्ट कर्व के साथ इंटरसेक्शन कहाँ पे है वो फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर एवरेज टोटल कास्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो वो भी पॉइंट बी पे कर रहा है. तो पॉइंट बी ये शो कर रहा है कि फर्म की कास्ट और प्राइस, एवरेज कास्ट और प्राइस की वैल्यू सेम है. सो टोटल रेवेन्यू एरिया एंड टोटल कास्ट एरिया आर इक्वल टू ईच अदर. तो ये हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है, मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म, यानी फर्म वर्किंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है क्योंकि फर्म का टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट एक दूसरे के जस्ट इक्वल है. नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए कहते हैं कि फर्म की इम्प्लिसिट कास्ट भी पूरी हो रही है और एक्सप्लिसिट भी हो रही है. एक्सप्लिसिट कास्ट वो है आउट ऑफ पॉकेट है जो दूसरे फैक्टर्स को बिजनेस में यूज करने के लिए आप पे करते हैं. इम्प्लिसिट कास्ट फर्म के अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने ही बिजनेस में यूज करने की जो कंपनसेशन है दैट इज इम्प्लिसिट कास्ट. तो बज़ाहिर टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन फर्म ने अपने जो रिसोर्स अपने बिजनेस में यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस मैन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, उसका कुछ अपना फाइनेंस भी है जिसको वो फर्म के लिए यूज़ कर रहा है किसी सेविंग अकाउंट वगैरह में रखने की बजाय या किसी और जगह पर इन्वेस्ट करने की बजाय उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है. फिर उसके बाकी अगर कोई रिसोर्सेज हैं तो वो भी उसने अपने बिजनेस में लगाए हैं तो उनकी कंपनसेशन उसको बिजनेस से हो रही है. कंपनसेशन फिर भी उसे चाहिए क्योंकि अगर वो रिसोर्सेज अपने बिजनेस में यूज ना करता, किसी और जगह पे भी यूज करते तो वहां से भी तो आपको उसकी डेफिनेटली कंपनसेशन मिलनी थी. तो एनीवे दिस इन लॉन्ग रन monopolistically competitive firm earns normal profit because total revenue and total cost are equal to each other. तो यहां तक हमने monopolistic competition में short run और long run equilibrium की बात की है. next session में हम लोग next market structure जो duopoly और oligopoly है उनकी तरफ हम move करेंगे. तो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम ज़्यादा डिटेल में जो है बाकी जो मार्केट स्ट्रक्चर जिनको स्टडी करना है बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकेंगे. तो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर जिन जो और प्योर कंपटीशन से हमने स्टार्ट लिया, फिर हमने मोनोपोली की बात की और फिर जो है वो हमने अभी फिनिश किया है monopolistic competition. next market structures are duopoly and oligopoly. what if duopoly and what if oligopoly. so basically hum kar ye rahe hain ki jo monopolistic competition sorry pure competition ya perfect competition hai uski assumptions ko one by one hum vary kar rahe hain, change kar rahe hain jaise new market structure emerge ho rahe hain. like humne लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स को सिंगल सेलर के साथ रिप्लेस किया उस अजम्पशन को, तो वी मूव्ड टुवर्ड्स मोनोपोली बिकॉज इन केस ऑफ मोनोपोली देयर इज सिंगल सेलर एंड इन केस ऑफ प्योर कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. फिर प्योर कंपटीशन की एक अजम्पशन है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. तो जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हों लेकिन वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की बजाय हेट्रोजीनियस किसी न किसी
हवाले से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्शन है, बेशक वो माइनर डिफरेंस भी हो, वो जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर फर्म की प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, जिसकी वजह से उसे किसी न किसी हद तक मोनोपोली पावर भी हासिल है कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर सकती है। आप कह लेना डॉक्टर तो सारे MBBS होते हैं मार्केट में, अगर आप बात करें ना इस सिटी के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं MBBS तो सब ने किया होगा, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, तो स्पेशलाइजेशन जो है वो बेसिकली उनको बेस प्रोवाइड करती है अपनी सर्विस की एवरेज से ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की। तो ये आप कह लें कि डॉक्टर की सर्विसेज जो है ना एक सिटी के अंदर, अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा ये ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो सिटी में मौजूद हैं, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो है वो केस है। अगर सारे के सारे डॉक्टर 100% एक जैसे क्वालिफिकेशन एक जैसे एक्सपीरियंस के साथ हूँ, तो फिर सब बराबर हैं और सबकी फीस बराबर होगी, फिर ये प्योर कंपटीशन का केस होगा। और अगर जो है किसी डॉक्टर ने स्पेशलाइजेशन की हुई है, एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस दूसरों से डिफर कर रहा है, तो फिर उसे किसी न किसी हद तक मोनोपोली पावर होती है और वो उस बेस पे अपनी सर्विस की प्राइस एवरेज प्राइस से ज़्यादा सेट कर सकता है। तो आपको पता है कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा फीस जो है वो चार्ज करते हैं, एक नॉर्मल या सिंपल MBBS के मुकाबले में, क्योंकि उसे पता है कि वो ज़्यादा प्राइस सेट कर भी देगा तो फिर भी उसके पास जो है वो जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ इस वजह से उसको नहीं छोड़ेंगे कि उसकी फीस ज़्यादा हो गई है, या इवन वो ज़्यादा भी चार्ज करें तो फिर भी लोग उसके पास आएंगे। तो एनीवेज ये बेस है कि हम डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स की तरफ कैसे मूव करते हैं, और अभी तक हमने 3 मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेक्शन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर। थैंक यू।